हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम आज बात करेंगे दोस्तों लाइनेट इंटर का जो एग्ज़ाम होता थी 24/8/2018 को, मैं उसकी आंसर शीट आ चुकी है दोस्तों। मैं आपको आंसर शीट बताऊंगा दोस्तों। ये टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसके तो मैं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, तो अच्छी तरह से देखें दो। तो दोस्तों एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें कहिए सोल्डिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान खालिस्तान से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका 400 सेल्सियस फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस हथौड़ा का प्रयोग घनत्व कारों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सेकंड वाला, बाल पिन हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विद्युत धारा को मापने के लिए SI इकाई क्या है, IS इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है दोस्तों। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है दोस्तों। तो इसकी प्रतिरोध की ओम फर्स्ट वाला दोस्तों, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक रेस्ट निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो चर प्रतिरोधक का उदाहरण है दोस्तों, सेकंड वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों सेकंड वाला दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों, विद्युत रोधी का एक उदाहरण है दोस्तों शुद्ध पानी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम के नियम में अनुपातिकता का स्थिरीकरण क्या है दोस्तों। तो प्रतिरोध इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार शक्ति के लिए व्यंजक क्या है। तो दोस्तों इसका I²R थर्ड वाला दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि एक 200 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में 2 किलो ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो परिपथ के माध्यम से परिवहन होने वाली धारा का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों सेकंड वाला 50 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में दोस्तों इसमें पूछा था, प्रतिरोध युक्त तो एक समांतर परिपथ में किसकी मात्रा समान रहेगी। तो वोल्टेज की रहती है दोस्तों इसमें, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा नियम निर्दिष्ट करता है कि किस बंद परिपथ में सभी उपकरणों को के वोल्टेज का बीजगणित योग सदा शून्य होता है। तो दोस्तों किरचॉफ के वोल्टेज का नियम का राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। परिपथ या उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज हमेशा खालिस्तान में जुड़ा होता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विभवांत की स्थिति में एक विद्युत उपकरण के भू संपर्क अर्थिंग द्वारा उपकरण को खालिस्तान में लगाया जा चाहिए। तो शून्य विभवांतर में लगाना चाहिए दोस्तों, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ऊंची इमारतों और संचरणों की रक्षक खालिस्तान आवश्यक है। तो दोस्तों इसका फोर्थ वाला भू संपर्क आर्थिक। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के अगले वीडियो के दूसरे सेकंड पार्ट में बाकी के क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जब 1 बिलियन में से विद्युत धारा गुजरती है तो एक खालिस्तान विभवांतर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका तीसरा वाला रासायनिक। तो दोस्तों इस वीडियो में ना आपको 15 क्वेश्चन बताया दोस्तों। अगली वीडियो में आपको और बाकी के क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों, दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन आप ये देख लिया आप अच्छी तरह। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही कमेंटमेंट बॉक्स में आप और कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों इसके बारे में। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा था कि इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों।
तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में भी मिलते हैं दोस्तों, थोड़ी अब तक के लिए सब थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।